बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधान प्रतिनिधि ट्रैक्टर से कुचलकर की गई है हत्या। प्रधान प्रतिनिधि कृष्ण कुमार शुक्ला की हुई है मौत। शव को सड़क में रखकर ग्रामीणों का प्रदर्शन किया गया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हरैया क्षेत्र के कटकुइया बल्दीहीड़ का है ये पूरा मामला। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रैक्टर से कुचलकर हुई है एक प्रधान की हत्या, जहां प्रधान प्रतिनिधि कृष्ण कुमार शुक्ला की हुई है मौत। शव को सड़क में रखकर ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हरैया क्षेत्र के कटकुइया बल्दीहीड़ गांव का है यह मामला। प्रधान प्रतिनिधि की हुई है हत्या। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बलरामपुर से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अमित, किस तरीके की घटना यहाँ पे सामने को देखी गई है? जी, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये मामला थाना हरैया क्षेत्र का है, जहाँ प्रधान प्रतिनिधि को ट्रैक्टर से जबरन दबंगों द्वारा कुचल दिया गया है। वही प्रतिनिधि कृष्ण कुमार शुक्ला जो 35 वर्ष थे, उनकी वही मौके दर्दनाक मौत हो गई है। वही इससे पहले भी उनके ऊपर गोली चलाई जा चुकी थी, जो 7 महीने पहले जो आरोपी थे उनको जेल भेजा गया था। तो वही परिजनों का कहना है, जो आरोपी छूट कर आए थे उसे वही दोबारा उनको उनके ट्रैक्टर से कुचलकर उनको मारे हैं। तो वही परिजन शव को रोड पर रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहाँ बलरामपुर जनपद से SP से कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय से कर रहे हैं और जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनसे कर रहे हैं मांग। आपने बताया कि इनकी जबरन ट्रैक्टर से कुचल कर इनकी हत्या कर दी गई है, तो क्या कोई विवाद इनके बीच में चल रहा था? कारण अभी नहीं पता चला, लेकिन इससे पहले कोई इनसे पुरानी रंजिश थी, क्योंकि ये प्रधान प्रतिनिधि थे और जो मारने वाले जो आरोपी हैं इन्हीं के गांव के आसपास के लोग हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसके परिवार जन प्रदर्शन कर रहे हैं उनके शव को रखकर, क्या कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है अभी तक या नहीं? अभी वो आरोपी फरार चल रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए बलरामपुर जनपद के SP हेमंत कुटियाल ने कड़ा निर्देश दे दिया, टीम गठित कर दिया है और आरोपी को यहाँ की तो पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन आरोपी फरार चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर विधायक इंद्र प्रताप को 5 साल की सजा हुई है। ADJ कोर्ट ने सुनाई है ये सजा। साकेत डिग्री कॉलेज के मामले में सजा सुनाई गई है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक इंद्र प्रताप को 5 साल की सजा सुनाई गई है। ADJ कोर्ट ने सुनाई है ये सजा। साकेत डिग्री कॉलेज के मामले में ये पूरी सजा सुनाई गई है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक इंद्र प्रताप को 5 साल की सजा सुनाई गई है। साकेत ADJ कोर्ट ने सुनाई है ये सजा। साकेत डिग्री कॉलेज के मामले में ये सजा सुनाई गई है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्तियों ने की है तालाबंदी। 11 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं आशा कार्यकर्ती। संगनी CHC के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं ये कार्यकर्ती। राज्य कर्मचारी का दर्जा और मानदेय सहित 11 मांगे की गई हैं। कार्यकर्तियों ने ज्ञापन SDM मोहनलालगंज को सौंपा है। मोहनलालगंज सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा है ये मामला। आशा बहु ने सभी डॉक्टर कर्मचारियों को बंधक बनाया। मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी बंधक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्तियों ने की है तालाबंदी। 11 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी है आशा कार्यकर्ती। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर पुलिस उड़ गई हुई है सतर्क। रेलवे स्टेशन में भारी पुलिस बल है तैनात। COCT सहित अन्य आला अधिकारी भी है मौजूद। PSC पुलिस बल स्टेशन में मौजूद। आंदोलन रोकने के लिए पुलिस ने किए हैं कई सारे इंतजाम। लखीमपुर
हिंसा, तीन कृषि कानून को लेकर रेलवे को आंदोलन जारी। जालौन के गुरई रेलवे स्टेशन का है ये पूरा मामला। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों के रेलवे को आंदोलन को लेकर पुलिस सतर्क हुई है। रेलवे स्टेशन में भारी पुलिस बल भी तैनात है। सीओ सिटी सहित अन्य आला अधिकारी भी मौके पर है मौजूद। सरकार का बड़ा फैसला इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश के 50 और जिलों में बनेंगे ड्रग वेयर हाउस। अभी 25 ड्रग वेयर हाउस का चल रहा है निर्माण। 50 ड्रग वेयर हाउस के लिए जमीन तलाशनी शुरू। ड्रग वेयर हाउस के जरिए हो सकेगा दवाओं का रख रखाव। जिलों में तुरंत उपलब्ध हो जाएंगी सभी दवाएं। सीएमओ कार्यालय के पास होगा ये वेयर हाउस। 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा ये ड्रग वेयर हाउस। सरकार का बड़ा फैसला इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश के 50 और जिलों में बनेंगे ड्रग वेयर हाउस। अभी 25 ड्रग वेयर हाउस का चल रहा है निर्माण। 50 ड्रग वेयर हाउस के लिए जमीन तलाशनी शुरू कर दी है सरकार ने। ड्रग वेयर हाउस के जरिए हो सकेगा दवाओं का रख रखाव। जिलों में तुरंत उपलब्ध हो सकेगी सभी दवाएं। सीएमओ कार्यालय के पास होगा ये वेयर हाउस। 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा ये ड्रग वेयर हाउस। सरकार का बड़ा फैसला इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के 50 और जिलों में बनेंगे ड्रग वेयर हाउस। अभी 25 ड्रग वेयर हाउस का चल रहा है निर्माण। और 50 ड्रग वेयर हाउस के लिए जमीन तलाशनी शुरू की गई है। ड्रग वेयर हाउस के जरिए हो सकेगा दवाओं का रख रखाव। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। कोर्ट में पेशी के दौरान कैदी की हुई है मौत। कैदी की हार्ट अटैक से हुई है मौत। पीयूष ग्रुप के चेयरमैन अनिल गोयल की मौत हुई है। धड़ी के मामले में थे नीमका जेल में बंद। कोर्ट में पेशी के दौरान कैदी की मौत। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, पीयूष ग्रुप के चेयरमैन अनिल गोयल की मौके पर ही मौत हो गई है। धोखाधड़ी के मामले में थे नीमका जेल में बंद। हार्ट अटैक से हुई है इनकी मौत। कोर्ट में पेशी के दौरान कैदी की मौत हुई है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पीयूष ग्रुप के चेयरमैन अनिल गोयल की मौत हुई है। धोखाधड़ी के मामले में नीमका जेल में थे बंद। कोर्ट में पेशी के दौरान कैदी की हुई है मौत। कैदी की हार्ट अटैक से हुई है मौत। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, पीयूष ग्रुप के चेयरमैन अनिल गोयल की हार्ट अटैक से मौत हुई है। धोखाधड़ी के मामले में नीमका जेल में थे बंद। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है, कैदी की हार्ट अटैक से हुई है मौत। पीयूष ग्रुप के चेयरमैन अनिल गोयल की मौत हुई है। धोखाधड़ी के मामले में नीमका जेल में थे बंद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मनोज, जिस तरीके का मामला देखा जा रहा है, पीयूष की हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बता दें, फरीदाबाद में कोर्ट में पेशी के दौरान आज अटैक के दौरान जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। पीयूष गुरु जो है वो चेयरमैन थे और कहीं ना कहीं जो लोगों से धोखाधड़ी का जो मामला था उस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो आरोपी थे उसी को देखते हुए आज कोर्ट में पेशी थी। और जिस दौरान उनकी अटैक के दौरान मौत हुई है, डॉक्टर ने जहां उपचार के दौरान उनकी मौत घोषित की है। जी, क्या कुछ उनकी तबीयत, क्या पहले से नासाज चल रही थी या अचानक से इस तरीके की घटना हुई है? बता दें कि पहले ऐसा कुछ नहीं था कि कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें लाया गया। कहीं ना कहीं उनके जो बात की गई है वो कहीं ना कहीं तबियत खराब बता रहे थे। छाती में दर्द हुआ और उसके बाद जो पुलिस जब उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुंचती है तो में ही उन्होंने उनका जो
युक्ति थी वो कहीं ना कहीं रस्ते में हुई है, और उसके बाद डॉक्टर ने जब इलाज के दौरान उन्हें उपचार दिया है तो कहीं ना कहीं मृत घोषित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।